हेलो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। आरबीएनएल का फाइनल डिविडेंड आ रहा है, उसको डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स 2023 में क्या है, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद उसके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले फाइनल डिविडेंड है 36 पैसे का और सितंबर 20 एक्स डिविडेंड डेट है। अगर हम टोटल डिविडेंड अगर हम देखें तो साल में दो बार डिविडेंड आ रहा है, तो एक डिविडेंड कब आया था, अप्रैल के महीने में, ये एक्स डिविडेंड डेट थी, तब था 1.77 रुपीज का डिविडेंड, और अभी 36 पैसे का, तो टोटल 2.13 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। दोस्तों अभी शेयर प्राइस तो बहुत ऊपर है, 140, 150, 160 के लेवल पर अभी है, तो डिविडेंड यील्ड अभी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन पिछले अगर आप एक साल में देखेंगे, आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं, लास्ट वन ईयर में लो देखेंगे 32-33 का भी रहा है और अभी बिल्कुल 52 वीक हाई के पास में शेयर प्राइस है। तो सोच लीजिए कोई इन्वेस्टर का 40-50 की अगर बाइंग है, पुराने कोई इन्वेस्टर है, तो उनकी डिविडेंड यील्ड यहां पर ज्यादा हो सकती है। अब डिविडेंड ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है या नहीं, तो देखिए लास्ट ईयर अगर दोनों डिविडेंड को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो टोटल डिविडेंड होता है 1.83 रुपीज का, तो उसके कंपैरिजन में डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, डिविडेंड का पेमेंट कब होगा, एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी का होने वाला है सितंबर 27। यहां हमारा एजम्पशन है कि एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, तो 27 सितंबर से 30 डेज के अंदर में डिविडेंड पे हो जाएगा, मतलब अक्टूबर 26 या उससे पहले डिविडेंड पे हो जाएगा जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, यह इंपॉर्टेंट है समझना, और इसको हम लोग डिविडेंड पे आउट से समझेंगे। मतलब कंपनी ने 100 रुपीज का अगर प्रॉफिट किया है तो उन्होंने डिविडेंड में 35% उन्होंने शेयर किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। देखिए पीएसयू कंपनी है, रेल विकास निगम, और जो पीएसयू की गाइडलाइंस ही होती है, जो दीपम की गाइडलाइंस है, कि एटलीस्ट 5% आपका नेटवर्थ या 30% जो प्रॉफिट किया है तो उससे ज्यादा ही डिविडेंड होना चाहिए। तो जनरली ऐसा मान के सकते हैं कि 30% से ज्यादा तो डिविडेंड आ ही सकता है, तो 35% का डिविडेंड पे आउट हमको आरबीएनएल में देखने को मिल रहा है। अब डिविडेंड के बाद इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस क्या करती है रेल विकास निगम। तो देखिए बहुत इंटरेस्ट तो है अभी इस कंपनी में, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर रेलवे को नई लाइन बिछानी है तो आरबीएनएल आता है, बहुत सारे रेलवे के जो पटरियां हैं वहां पर, जो रेलवे के लाइंस है वहां पर अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, वहां पर आरबीएनएल का काम है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर सिंगल लाइन है, डबलिंग करना है, वहां पर आरबीएनएल है, और फिर साथ में मीटर गॉज से जो गॉज कन्वर्जन का काम है वो भी आरबीएनएल कर रही है, और फिर साथ साथ ब्रिज बनाना या फिर मेट्रो, इन सब में भी रेलवे की एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है आरबीएनएल। अब जब आरबीएनएल को हम लोग एनालिसिस करते हैं तो मैं यहां ऑर्डर बुक आपको बताता हूं कितना है, 55,000 करोड़। लेकिन ये कब का डेटा है दोस्तों, लास्ट ईयर अक्टूबर 2022, तो ये डेटा थोड़ा सा पुराना हो गया है। लेकिन ये डेटा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम इस डेटा से समझेंगे कि अभी लेटेस्ट में उनका जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ऑर्डर बुक को समझना इसलिए जरूरी है, और इनफैक्ट कोई भी इंफ्रा कंपनी या कैपिटल गुड्स कंपनी या डिफेंस कंपनीज को आप जब एनालाइज करेंगे तो ऑर्डर बुक को जरूर देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंफ्रा कंपनी में लार्सन टूब्रो को लेता हूं, ऑर्डर बुक देखिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल गुड्स डिफेंस कंपनी, ऑर्डर बुक देखिए। सब एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आरबीएनएल के केस में कितना ऑर्डर बुक था, 55,000 करोड़ अक्टूबर 2022, और मैक्सिमम ऑर्डर कहां से आ रहे थे, न्यू लाइन बनाने में, फिर डबलिंग की लाइन में, इन सब में मैक्सिमम ऑर्डर्स आ रहे थे। अब जून 2023 में ऑर्डर बुक उनकी मजबूत हुई है, 65,000 करोड़ का ये ऑर्डर बुक हुआ है, तो ऑर्डर बुक उनका बढ़ा हुआ है। अब इस ऑर्डर बुक को कैसे एनालाइज किया जाए, तो देखिए यहां पर आपके सामने मैं जो डेटा लेकर आया हूं, ये देखिए रेल विकास निगम के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं लेकर आया हूं, और कौन सा रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है, ये देखिए 31/3/2023, मतलब ये लास्ट ईयर फुल फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट्स है। तो आप देखिए यहां पर कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया था, ये देखिए ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कंपनी ने कितनी कमाई की थी, रेवेन्यू उन्होंने किया था लास्ट ईयर, ये देखिए 20,281 करोड़। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कंपनी ने रेवेन्यू तो 20,281 करोड़ किया, अब वो रेवेन्यू कहां से आया होगा, जो ऑर्डर्स हैं उन्होंने कंप्लीट किए होंगे वहीं से आया होगा। तो फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ता रहे उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ऑर्डर बुक, और ऑर्डर बुक का बढ़ना। तो अभी ऑर्डर बुक कितना है, 65,000 करोड़, डिवाइड कर दीजिए रेवेन्यू कुछ 20,000 करोड़ के आसपास में, तो कुछ 3 के आसपास नंबर आएगा। तो इससे क्या हमको समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट 3 ईयर्स या उससे ज्यादा की विजिबिलिटी है। हम अगर रेज्यूम करते हैं कि अभी जो फाइनेंशियल 24 में भी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा, उनकी जो ऑर्डर बुक है 65,000 करोड़ है, तो एटलीस्ट अगले 3 साल तक के लिए तो उनके पास बिजनेस है। मैं मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था उनकी, जो अभी का जो लेटेस्ट है, और ये इनफैक्ट पब्लिक डेटा है। यहां पर कंपनी का ऐसा मिशन है कि 75,000 से 100,000 करोड़ का ऑर्डर बुक का उनका टारगेट है। अब तो देखिए क्वार्टर वन का ही रिजल्ट आया है, फिर क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, फिर क्वार्टर फोर, तो ये देखना रहेगा
कि ये जो ऑर्डर बुक है 65,000 करोड़ है उससे कितना बढ़ रही है क्वार्टर टू में या फिर नेक्स्ट क्वार्टर थ्री में, जब रिजल्ट क्वार्टर थ्री का आएगा जनवरी फरवरी 2024 तब तक आ जाएगा, तब कंपनी का रेवेन्यू कैसा है। तो देखिए क्वार्टर वन में इस बार 5,446 करोड़ का रेवेन्यू किया, लास्ट ईयर 4,640 करोड़ रेवेन्यू बढ़ा है, लास्ट ईयर प्रॉफिट 283 करोड़ का था, इस बार 333 करोड़ का, तो प्रॉफिट्स भी यहां पर इंक्रीज यहां पर क्वार्टरली हुए हैं। तो देखिए रेवेन्यू एक क्वार्टर में 5,000 करोड़ से ऊपर है, अब ऐसे ही अगर ये रन रेट चलती रही इससे भी अच्छा हुआ तो हो सकता है 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो है टोटल रेवेन्यू आ जाए, बट वो हमको बाद में पता चलेगा जब क्वार्टर टू फिर बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे तब हमको पता चलेगा। नेक्स्ट अब वैल्यूएशन में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, 3,500 से ज्यादा की बड़ी कम्युनिटी है और वहां पर मैंने लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी शेयर करना शुरू कर दिया है। यहां पर बिजनेस एनालिसिस पर फोकस होता है, पैसिव इनकम, डिविडेंड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड प्योर कॉन्टेंट आते हैं दोस्तों, कोई भी यहां पर टिप्स पर बात नहीं होती है, सिर्फ फाइनेंशियल लर्निंग को सिंप्लीफाई इस ग्रुप में किया जाता है। अब आते हैं रेल विकास निगम के बिजनेस वैल्यूएशन पर, तो देखिए ये है आरवीएनएल, अभी आप पी रेशियो देखेंगे कुछ 25-26 के आसपास में है, मतलब कंपनी 1 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट ने उनको 25-26 का वैल्यूएशन दिया है। देखिए हर कंपनी को अलग अलग वैल्यूएशन होता है, अगर आप देखेंगे कंपनी जैसे डीमार्ट है, एवेन्यू सुपरमार्ट, आपको 103 का भी पी रेशियो देखने को मिलेगा, या फिर आप एशियन पेंट्स को देख सकते हैं, उनका भी आपको देखें 66-67 का पी रेशियो देखने को मिलेगा। कुछ कंपनियों को कम भी दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एनटीपीसी एक और पीएसयू है, उसको पी रेशियो 13 का दिया गया है। तो ये आसान नहीं है बोल पाना कि किस कंपनी को कितना वैल्यूएशन मिलना चाहिए, बट जो हमारे पास डेटा है हम यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स का डेटा लेते हैं और देखते हैं कि ये सस्ता है या नहीं है अपने हिस्टोरिकल लेवल से। तो हिस्टोरिकल लेवल में 7.1 का पी मिला हुआ था, ये उस समय में इनफैक्ट कम कहा जा सकता है क्योंकि ऑर्डर बुक भी तब मजबूत थी और प्रॉफिट भी कंपनी कर रही थी, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। लेकिन अभी देखिए ये 23-25 के आसपास, मतलब लगभग 3 गुना से ज्यादा ऑर्डर बुक हो गया है। अब प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे 5.24 का प्राइस टू बुक है, यही प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे उनको हिस्टोरिकल कितना मिला है 1.4। तो अपने हिस्टोरिकल लेवल से तो आरबीएनएल बहुत ही महंगा मिल रहा है। अब जब ऐसे केसेस होते हैं तो 2 थॉट प्रोसेस आ जाते हैं कि कंपनी पहले सस्ती थी अभी महंगी हो गई है, और दूसरा कि कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत है, प्रॉफिट्स भी है और फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए मार्केट उनको वैल्यूएशन दे रहे हैं। नहीं तो देखिए एशियन पेंट्स या डीमार्ट अलग अलग सेक्टर के हैं लेकिन उनको हायर वैल्यूएशन मिलता है क्योंकि मार्केट को हो सकता है ऐसा लगता हो कि इनका बिजनेस हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन में रहने वाला है। मैं जैसे कंपनी की बात बताता हूं, नेस्ले, आप उनका अगर आप पी रेशियो देखेंगे 77 है, लेकिन अगर मैं 10 ईयर का भी डेटा लूं, आप यहां पर उनका पी रेशियो देखिए, उनका एवरेज 68-69 ही रहा है। तो कुछ कंपनियों को मार्केट ने हमेशा हाई वैल्यूएशन दिया हुआ है। अब यह है जरूरी कि फ्यूचर में भी आरवीएनएल जैसा अभी परफॉर्म कर रही है वैसा ही परफॉर्म करती रहे, प्रॉफिट्स करती रहे, ग्रोथ करती रहे, ऑर्डर बुक उनको मिलते रहे और स्टेबल मिलते रहे। नहीं तो कभी ऐसा हुआ कि उनके ऑर्डर बुक कम हो जा रहे हैं तो फिर हो सकता है ये वैल्यूएशन को वो सस्टेन ना कर पाए। तो अपने हिस्टोरिकल लेवल से तो महंगा मिल ही रहा है, अब आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स ऑर्डर बुक से इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यूएशन वो सही में वो रिटेन कर पाते हैं या नहीं। आपके क्या व्यू है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू।